बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब व्यूवर्स ठीक होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर क्या ही है, और ये करंट अफेयर पार्ट टू है। अभी तक हम करंट अफेयर के अंदर जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, वो बेसिकली यानी कि ज़्यादातर जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, वो असल में पाकिस्तान का करंट अफेयर है। ठीक है, हमने अभी तक वर्ल्ड करंट अफेयर को हाथ नहीं लगाया। मोस्टली लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान करंट अफेयर को देखा, और आज के लेक्चर में भी हम मोस्टली पाकिस्तान के करंट अफेयर को देखेंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला ये असल में बेसिकली वन लाइनर एमसीक्यूज हैं, जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, एंड देन कैम स्कैनर की मदद से उनका पीडीएफ बना के जो है वो इसको आगे आप सबके आगे पेश कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट वन इज पाकिस्तान टू डेवलप फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट अंडर विच प्रोजेक्ट। पाकिस्तान अपना जो फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट जो बनाने जा रहा है, वो अंडर विच प्रोजेक्ट बना रहा है? वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अज़्म। ये जो बोल्ड एंड यानी कि हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, ये बेसिकली आंसर है, जिसको अंडरलाइन भी किया है मैंने। द सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ड इन विच सिटी। स्टेट ऑफ द आर्ट जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो पाकिस्तान में बनाया जा रहा है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान फर्स्ट एवर जिंजर कल्टीवेशन प्रोग्राम वाज इनोग्रेटेड इन चकवाल। एंड द फोर्थ वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन अभी अपॉइंट हुआ है, वो है रिजवान अहमद। एंड पाकिस्तान परचेज J-10C फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान ने J-10C फाइटर जेट्स जो हैं अभी जो परचेज किए हैं, वो चाइना से परचेज किए हैं। पाकिस्तान हैज परचेज्ड हाउ मेनी चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स। तो जैसे कि अभी चाइना से परचेज किए गए हैं, तो वो कितने किए गए हैं? ऑलमोस्ट 28 पाकिस्तान जो है वो परचेज कर चुका है। सेवेंथ वन इज रिसेंटली पाकिस्तान एंड देश फाइनलाइज द ज्वाइंट एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2022 टू 2026। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो एक ज्वाइंट एक्शन प्लान पे जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हैं, वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ किए हैं, जो कि 2002 से 2026 तक के टाइम पीरियड के लिए हैं। एट वन इज हु इज द करंट डीजी ऑफ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA। करंट गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, वो कौन है? वो है मुजीबुर रहमान कमरानी। आंसर इज मुजीबुर रहमान कमरानी। नाइन्थ वन इज हु वॉन द पीसीबी 2021 मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि मोहम्मद रिजवान ने जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट अवार्ड ऑफ पीसीबी 2021। सो अगेन क्रिकेट से रिलेटेड, हु वॉन द पीसीबी 2021 T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? मोहम्मद रिजवान अगेन पीसीबी 2021 के T20I क्रिकेटर का जो ईयर ऑफ द अवार्ड जो अवार्ड है, वो मोहम्मद रिजवान ने लिया है। एंड द अलेवेंथ वन इज हु वॉन द पीसीबी 2021 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब ये बेसिकली T20 का था, एंड द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड, वो हसन अली ने जीता है। एंड हु वॉन द पीसीबी 2021 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? सो बाबर आजम, जो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, वो बाबर आजम को अवार्ड दिया गया है। वैसे देखा जाए, मैं शायद पाकिस्तान में वो पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि क्रिकेट नहीं देखता, या जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है, मुझे बोरिंग लगती है। खैर, करंट अफेयर्स हैं। द 13th वन इज हु वॉन द पीसीबी 2021 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? नीता डार। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, वो नीता डार ने जीता है।
फोर्टींथ वन इज विच ब्रिटिश पाकिस्तानी हैज बिन गिवन यूके कोट ऑफ आर्म ऑन January 6, 2022। जो पहला ब्रिटिश पाकिस्तानी है जिसको यूके ने कोट ऑफ आर्म से नवाजा है वो है लॉर्ड आमिर सरफराज, लॉर्ड आमिर सरफराज। ठीक है, सो द 15th वन इज 23% वर फाउंड डेड इनसाइड व्हीकल इन मरी रिसेंटली, द रीजन ऑफ डेथ इज। वैसे देखा जाए तो ये दुख की खबर है, और यानी कि हम इनको करंट अफेयर्स में लेकर आए हैं, जो इस वक्त ये यानी कि वन लाइनर एमसीक्यूज पढ़ते हुए भी दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ मरी में 23 लोग जो हैं वो गाड़ी के अंदर बेचारे रातों रात जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज उन्होंने जो है वो हीटर चला के रखा हुआ था गाड़ी के अंदर, एंड शीशे वगैरह सब कुछ बंद थे बाहर बर्फबारी की वजह से, तो उसी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। सो 16 अगेन सेम इंसिडेंट के ऊपर, व्हेन अ डेडली स्नो स्टॉर्म अकर्ड इन मरी किल 23 डोमेस्टिक टूरिस्ट हु हैड बीन विजिटेड टू सी द थिक स्नो ऑन विजिटेड। सो द डेट वाज 7th जनवरी, ये जिस दिन ये यानी कि इंसिडेंट हुआ था 7th जनवरी था उस दिन। सो 17th वन इज विच पाकिस्तानी एक्टर विल बी स्टार्टिंग इन द नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन। अब एक पाकिस्तानी एक्टर नेटफ्लिक्स की द क्राउन सीरीज में नजर आएगा, तो हु इज ही? हुमायूं सईद। ठीक है, हुमायूं सईद। द 18th वन इज हाउ मेनी ग्रीन लाइन बसेस विल कवर अ ट्रैक ऑफ 21 किलोमीटर इन कराची। सो द बसेस आर ऑलमोस्ट 80, तकरीबन 80 बसें हैं जो कि कराची में ग्रीन लाइन बस जो कि 21 किलोमीटर का सफ़र डेली बेसिस पे तय कर रही हैं, एंड हज़ारों कराची के शहरी उससे फ़ायदा ले रहे हैं। द 19th वन इज नेम द पाकिस्तान बॉर्न सर्जन अमंग टीम हु मेड हिस्ट्री विथ पिक टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि एक पाकिस्तानी बॉर्न सर्जन है जिसने एक पिग का हार्ट दिल जो है वो एक इंसान में लगाया और वो सक्सेसफुली यानी कि सर्जरी कामयाब हुई थी। तो द नेम ऑफ सर्जन इज डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन। ठीक है, द नेम ऑफ सर्जन इज डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन। ओके, सो द 20 नंबर इज टू मार्क द डैश एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूईटी लाहौर, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इशू अ कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ रेट 100। तो द एनिवर्सरी इज 100th एनिवर्सरी, तकरीबन 100 साल कंप्लीट हुए हैं यूईटी लाहौर को, तो गवर्नमेंट ने उसकी खुशी में 100 रुपये वाला एक कॉइन जारी किया था। अक्सर ऐसे दिनों पे ना गवर्नमेंट की तरफ से कॉइन वगैरह जारी किए जाते हैं डिफरेंट रेट्स के। सो द 21 इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप रिस्क ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 के मुताबिक जो कि शाया की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने, तो इस वक्त पाकिस्तान को टॉप रिस्क कौन सा है? सो द टॉप रिस्क इज डेब्ट क्राइसिस। द 22 इज वॉट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। द पाकिस्तान का इस वक्त हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 108वां नंबर है, रैंक 108वें नंबर पे है। तो 23 इज पाकिस्तान पासपोर्ट हैज बिन रैंक्ड एज द डैश वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल इन 2022 बाय हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का 4th नंबर पे वर्स्ट पासपोर्ट आता है। भाई आप सोचें हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वर्स्ट पासपोर्ट माना जाता है 2022 में इस वक्त 4th नंबर पे हैं। तो 24 इज व्हेन नेशनल असेंबली पास द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021, टर्म्ड वाइडली एज द मिनी बजट,
अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने मिनी बजट दिया था, जिसको मिनी बजट कहा जाता है, मगर असल में वो उसका नाम जो है फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल था 2021 का। वो बजट पास हुआ था 13 जनवरी 2022 को। डेट याद रखनी है आपने, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिनी बजट कब पास किया गया अभी रिसेंटली, तो 13 जनवरी 2022 को। सो द 25 नंबर इज जस्टिस उमर अता बंदियाल टुक ऑथ एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन फरवरी 2, 2022। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली ऑथ लिया है, तो वो कौन सा नंबर जो है वो जस्टिस अभी हुआ है पाकिस्तान का, तो 20th जो है वो चीफ जस्टिस बना है, इससे पहले 27 हो चुके हैं। सो द 26 इज विच कंट्री वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2021। अंडर 19 एशिया कप 2021 जो है वो इंडिया ने जीता था। 27 इज विच कंट्री होल्ड द प्रेजिडेंसी ऑफ यूरोपियन काउंसिल फ्रॉम जनवरी 1, 2022। जो है कौन से कंट्री ने इस वक्त प्रेजिडेंसी ऑफ यूरोपियन काउंसिल का जो है वो अपने पास रखा है, तो वो फ्रांस है इस वक्त, जनवरी 1, 2022 में फ्रांस को दी गई प्रेसिडेंसी यूरोपियन काउंसिल की। तो द 28th इज द एरिया ऑफ खोरक फोर्ट इज डिस्प्यूटेड बाय इंडिया एंड चाइना एंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री। एक डिस्प्यूटेड फोर्ट है, एक एरिया है जो एक जिसपे इस वक्त जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना और इंडिया दोनों उस पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमारा है, वो कह रहे हैं कि हमारा है, तो उस पे इस वक्त कंट्रोल किसका है, कब्जा किसका है, तो वो चाइना का है। ठीक है, तो द 29 इज व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूज्ड पिक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम सोशल मीडिया विदाउट परमिशन एंड वॉज लिस्टेड फॉर ऑक्शन रिसेंटली। ठीक है, ये एक मैं आपको इसकी डिटेल देता चलूं, ये अभी रिसेंटली इंडिया के एक लड़के ने एक ऐप बनाई जिसका जो आंसर है वो बुली बाय, ऐप का नाम है बुली बाय। इस ऐप में उस लड़के ने क्या किया, जो इस वक्त दुनिया की मोस्ट मशहूर मुस्लिम वुमेन्स हैं, ठीक है, मोस्ट मशहूर मुस्लिम वुमेन्स हैं, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स उन मुस्लिम वुमेन्स की, जो मशहूर दुनिया की वुमेन्स हैं, उनकी पिक्चर्स उस सॉफ्टवेयर में लगाई गई एंड ऑक्शन के लिए पेश की गई, मीन्स कि उनको सेल आउट के लिए पेश की गई। वह इनकी ये रकम है, आप इनको जो है ये बोली लगाएं और ये वुमेन्स आप इस सॉफ्टवेयर पे खरीद सकते हैं। और उनकी जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया से इधर उधर से कहीं से वो उठाई गई थी। तो वैसे इस वक्त अगर मैं इसकी डिटेल बताता चलूं तो ये ऐप अभी बंद हो चुकी है, इंडिया में बनी थी और वो जिस लड़का जिसने बनाया था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो जो वुमेन्स थी वो दुनिया के मशहूर वुमेन्स थी, डिफरेंट कंट्रीज से, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी थी। तो जाहरी बात है जब ये चीज़ हुई तो उन तमाम मुल्कों ने एक प्रेशर डाल दिया इंडिया के ऊपर कि भाई ये क्या तरीका है, तो जिस वजह से वो बाद में जो है वो ऐप भी बंद कर दिया गया और उस बंदे को गिरफ्तार भी कर दिया गया। सो द लास्ट वन लाइन एमसीक्यूज ऑफ दिस लेक्चर इज होलोकास्ट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। होलोकास्ट डे जो है वो हर साल किस दिन बनाया जाता है, 27 जनवरी को। अब भाई होलोकास्ट क्या था, होलोकास्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ऑलमोस्ट मिलियंस की तादाद में जो यहूदियों का कत्लेआम किया गया था, जेनोसाइड की गई थी, उनको ज़बह किया गया था, मारा गया था जर्मनी की तरफ से, यानी कि यूरोप में जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उन्होंने यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया था। सो उस पूरे वाक्य को, उस जेनोसाइड को होलोकास्ट कहा जाता है। ठीक है, सो आज ये लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर अब हम करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, मगर वर्ल्ड करंट अफेयर को। अब तक हमने पाकिस्तान को ज़्यादा कवर किया था, अब दुनिया के दूसरे मेन पॉइंट्स जो कि होपफुली टेस्ट अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा और इसको लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।